आपका इस शिक्षण कार्यक्रम के में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको पता है ना? क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? अभी मैंने टॉपिक आपको बताया था, टॉपिक का जो नाम है अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता। तो अपना मालवा अर्थात मध्य प्रदेश, मालवा कहते हैं मध्य प्रदेश को, और खाऊ उजाड़ू सभ्यता मतलब विकास के नाम पर जो धन दिया सरकार द्वारा दिया जा रहा है या दिया जा रहा था, उसको अपने व्यक्तिगत कामों में लेना और डकार जाना, पर्यावरण के नाम पर, औद्योगिकीकरण के नाम पर वो धन जुटा करके उसका दुरुपयोग करना, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना, ये जो है यही जो है क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं उजाड़ू, खाऊ उजाड़ू सभ्यता, खाऊ उजाड़ू सभ्यता। ये सभ्यता जो है क्या ठीक है कि आप जो है पर्यावरण के नाम पर पैसे फंड इकट्ठा हो रहा है और संसाधनों के नाम पर फंड इकट्ठा हो रहा है, वो फंड जा कहाँ रहा है, वो फंड जो है कहाँ जा रहा है? तो ये जो है जो वहाँ के व्यवस्थापक लोग बैठे हुए हैं, वो व्यवस्थापक लोग जो है उस फंड को लेकर के अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के लिए जितना सरकार ने फंड दिया, वो फंड जो है औद्योगिकीकरण के नाम पर लिया गया और उसका जो है दुरुपयोग किया गया, उसका उपयोग उचित ढंग से नहीं हुआ। तो बेटा, ये मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम, ऐतिहासिक जो नाम है वो है मालवा। मालवा का पठार आपने पढ़ा होगा, आपने मालवा का पठार पढ़ा होगा भूगोल में, पढ़ा है ना? तो उसी प्रकार से मालवा का पठार कौन सा, वही मालवा का पठार, मध्य प्रदेश का पठार, मध्य प्रदेश का जो पठार है उसी को मालवा का पठार कहा जाता है। पुराना नाम जैसे वाराणसी का पुराना नाम, वाराणसी को पुराने नाम से पुकारते हैं, बनारस, बनारस के नाम से पुकारते हैं। बच्चों, यह जो लेख जो है लिखा गया है आदरणीय श्री प्रभास जोशी द्वारा ये लिखा गया है। प्रभास जोशी स्वयं मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इंदौर में उनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? इंदौर में, इंदौर में उनका जन्म हुआ। और उन्होंने मध्य प्रदेश के जीवन को, मालवा के जीवन को जिया, इसलिए मालवा क्षेत्र के एक कणकण से वे परिचित हैं, एक ईट ईट से परिचित हैं, मालवा के एक ईट ईट से परिचित हैं। कौन परिचित है? प्रभास जोशी, ठीक है, प्रभास जोशी इस ईट ईट से परिचित हैं, इसलिए आपको उन्होंने जो कुछ भी अपने लेख में लिखा है मालवा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मालवा का फिर वर्तमान पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के को वर्तमान पृष्ठभूमि से जोड़ा, प्रभास जोशी जी ने वर्तमान पृष्ठभूमि से जोड़ा, और इसलिए उन्होंने ये बात कही कि मालवा जो है पहले का जो मालवा था इतना हरा भरा, बेटा उधर से बात नहीं होती, बात यह है कि जो मालवा का क्षेत्र था, वो मालवा का क्षेत्र पहले कितना हरा भरा क्षेत्र था, जंगल थे, घने जंगल थे उस समय, और समय समय पर बारिश भी हुआ करती थी, समय समय पर बारिश भी हुआ करती,
थी वहां का जलस्तर कम कभी भी कम नहीं होता था, और वहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है उसके से वहाँ के लोगों की का काम चलता है, अभी भी चलता है, नहरें बना करके सिंचाई करते हैं, और वहाँ वन्य पर्यावरण उनका जो है बड़ा सुंदर था, अद्भुत सुंदर था। लेकिन आज जो है मालवा का जो क्षेत्र है दूभर हो गया। पहले मालवा के बारे में कहा जाता था ये डग डग रोटी पग पग नीर, कहावत ये थी कि डग डग रोटी पग पग नीर, और मालव धरती गहन गंभीर, मालव धरती गहन गंभीर, ये जो था ये मालवा क्षेत्र का, ये मालवा क्षेत्र की ये जो है स्थिति थी कि डग डग रोटी पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर, ये था। तो डग डग पर रोटी मिलती थी है? और मालव धरती गहन गंभीर बहुत गहरी थी, सघन वन थे वहां पर और गंभीर थी, और उसके अंदर जलस्तर जो उसका जलस्तर जो है बहुत अच्छा था पहले, और आज जो है जो जलस्तर जो है बहुत ही कम हो गया है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। दो बार जब मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ मध्य प्रदेश में इंदौर में, संचार नगर है इंदौर में, तो वहाँ पर मैं ठहरा हुआ था, तो गर्मियों में पानी की इतनी किल्लत हुई, बहुत किल्लत हुई, और जलस्तर जो है वहाँ का बहुत नीचे चला गया था। इसका कारण क्या है आप बताएंगे कि कहीं किसी क्षेत्र के जलस्तर का नीचे चला जाना उसका कारण क्या हो सकता है, कोई बच्चा बताए? बारिश ना होना, बारिश का समय पर ना होना, और गर्मी अधिक होना, गर्मी अधिक होना, और बेटा पेड़ों को काटा जाना, पेड़ों को काटा जाना, बहुत अच्छा उत्तर दिया। हाँ जी हाँ जी, कुओं का सूख जाना। अब कुएं क्यों सूख जाए? जब जलस्तर कम होगा तो कुएं सूखेंगे। तो बेटा उन्होंने जो है प्रभात जोशी जी ने ये सारी बातें बताई कि पहले का मालवा, पहले के मालवा के क्षेत्र में और आज के मालवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है बेटा, बहुत बड़ा। अंधाधुंध वनों का काटा जाना, औद्योगिकीकरण का स्थापित होना, उद्योग धंधों का स्थापित होना, जो नाना प्रकार की अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां जो है वहाँ थी, वहाँ हैं, और जो है उनके कारण जो है कई ऐसा काम ऐसे धंधे हैं कि उनका गंदा पानी जो है वो नालों के माध्यम से नदियों में जाता है, और वो नदी को वो पानी जो है दूषित करता है, प्रदूषित करता है। इस प्रकार से अनेक दुष्प्रभावों के कारण जो है मालवा का जो जलस्तर है वो जलस्तर जो है कम हो गया, और उस कम होने के कारण जो है अकाल पड़ने लगा, असमय बारिश होने लगी, और जो है कहीं पर विषमता पर्यावरण की जो है एक विषमता हो गई, पर्यावरण विषम हो गया, कहीं पर सूखा पड़ रहा है और कहीं पर जो है बारिश हो रही है। बेटे प्लीज, जहाँ बारिश होगी बारिश, जहाँ जंगल होंगे वहीं बारिश होगी, जहाँ जंगल नहीं होंगे वहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, चुंबकीय शक्ति का काम करते हैं, उनके पत्तों में चुंबकीय शक्ति होती है, कैसे कि बादलों को आकृष्ट करके, अपनी ओर आकृष्ट करके, और बादलों को बरसा देते हैं और उनको भी पानी मिल जाता है पौधों को, तो यही तो है ना। और मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी कट जाना, बांधों का, तटबंधों का कट जाना, इसका कारण क्या है? वहाँ पर पौधों का न होना, वहाँ पर भी पौधों का, पौधे क्या करते हैं अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी को रोके रखते हैं, मिट्टी को क्या करके रखते हैं, रोके रखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों
मालवा की जो धरती है इतनी खाऊ जाड़ू सभ्यता में परिवर्तित हो गई कि जिसका कारण जिसका दुष्परिणाम ये मिलता है, जलस्तर कम हो जा रहा है और अकाल पड़ने लग रहा है, सूखा पड़ने लग रहा है, भूखमरी पड़ने लग रही है। हालांकि उद्योग धंधे बहुत हो गए, पर उद्योग धंधे भी कब चलेंगे, जब पानी होगा, जब जल का पर्याप्त जो है पर्याप्त जल की पर्याप्त उपलब्धि होगी, तभी जो है हम काम कर सकते हैं और जो है इसका अपने जीवन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन जब जल ही नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही जो है जीवन है। हाँ, जल है तो कल है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम बेटा आपका? मोहित। मोहित ने बात कही, जल है तो कल है। तो बेटा यही बातें हैं कि जल, हाँ, जल ही जीवन है। पक्षियों का होना भी आवश्यकता, वातावरण की शुद्धि होती है। जल जब वन रहेंगे, वन होंगे तो वातावरण की भी शुद्धि होगी। हवा छन छन करके आएगी तो वातावरण भी शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता, मालवा का पूरा क्षेत्र जो है बर्बाद हो गया उद्योग धंधों वनों का के काटे जाने के बाद। जो हमारा वातावरण था बिल्कुल अशुद्ध हो गया और प्रदूषित हो गया, और जो है तीनों प्रकार के प्रदूषण हो गए बेटा, तीनों प्रकार के प्रदूषण हो गए, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है उद्योग धंधे होने के नाते वहाँ पे लोग जाते हैं और वाहन लेकर जाते हैं और हॉर्न के माध्यम से और ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाज़ें कितनी होती हैं, वहाँ कितना कंजेस्टेड एरिया हो गया है, शोर शराबा हो गया है। आप भोपाल में कितना शोर, संचार नगर में बहुत ट्रैफिक, जैसा लगता है कि वो लाल किले का रेड लाइट है। तो वहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम हो गया है कि कहने की बात नहीं है। तो बात यह है बच्चों कि इस अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पर हमने चर्चा की और उसमें बताया कि उसमें प्रभात जोशी जी ने इस जीवन को जिया है, इस जीवन को भोगा है, अपने धरती के गंभीर धरती को भोगा है, उनके पर्यावरण को देखा है और जो है जो देखा है वही लिखा उन्होंने और अन्य कुछ नहीं लिखा। कि मालवा की जो धरती पहले थी आज वो धरती नहीं है। लेकिन इसीलिए मैंने चार पंक्तियाँ अपने काव्य संग्रह से वन्य पर्यावरण पर मैंने लिखी है, उसको पढ़ करके और वाणी को विराम दूंगा कि हरे भरे जंगलों से सजी हुई वसुधा को दिन प्रतिदिन निरवन मर्द कीजिए, अन्यथा बनेगी बाज धरती हमारी भाई, इसलिए इसे निरजन मर्द कीजिए, रोकिए प्रदूषण, सुधारिए पर्यावरण, वृक्ष को उगा उगा सघन वन कीजिए, तब रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध, जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए, रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध, जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज का ये व्याख्यान अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पर समाप्त करता हूँ और इसके पीछे जो प्रश्न, ये बेटा ये अंतराल से आपके 20 नंबर के प्रश्न आते हैं, 20 से 25 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो ये अंतिम पाठ था आपका। तो अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता लिखित द्वारा प्रभात जोशी जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं प्रभात जोशी जी, और प्रभात जोशी जी एक अच्छे पत्रकार भी हैं, और प्रभात जोशी जी ने कविता के क्षेत्र में बहुत काम किया, और प्रभात जोशी जी ने साहित्य के, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कविता हो, कहानी हो और
और निबंध पर तो काम किया ही किया है। इनका ये लेख आप पढ़िएगा, बहुत आपको मिलेगा सब कुछ इसमें। आप जो कुछ भी मैंने बातें बताई हैं सारी बातें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और मैंने आपको समय दिया है, और आप जो है मैं जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसका लिंक आपको भेज देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, साधुवाद।